और जाति जनगणना की जो जाति जनगणना हुई है उसमें 1% आदमी संसाधन से लैस हैं, जो ओबीसी एससी एसटी की बात जो करते हैं 1% पे क्रिमिनल लेयर लगा करके ये ब्राह्मणवादी के बातों को खत्म करके जैसे महात्मा फूले ने शिक्षा महिला करने की बात करते हैं और आरक्षण का लाभ उस आदमी को मिले जो अंतर्जातीय विवाह जैसे एससी और एसटी ओबीसी मैनरी। शिक्षाविद प्रोफेसर रतनलाल जी और सम्मानित हमारे डॉक्टर सूरज मंडल जी ने तमाम बातें आप लोगों को बताई है। मैं कुछ चीज़ों पर प्रकाश डालना चाह रहा हूँ कि जितने भी हमारे नए पुराने जो भी सांसद जो इस बार उपस्थित सांसद नए सांसद भवन में हुए हैं उनको इस पत्रिका मेल व्हाट्सएप पे 60 सवाल जो बहुसंख्यक समाज के ऊपर है और उन 60 सवाल में हिंदी इंग्लिश बाइलिंगुअल हमने भेजा है। वो ये नहीं कहते कि मुझे पता नहीं है क्योंकि तमाम लोगों से हमने कंसेंट भी लिया है कि सवाल उनके पास पहुंच गए। कुछ लोगों ने हम लोग को बुला करके समझा भी। जो मुद्दे हैं उसके साथ साथ जो सामाजिक न्याय की बात हम लोग करते हैं और पिछले 7 से बी द पीपल पैगाम अन्य सहयोगी जातीय संगठन मिलकर आवाज को उठाते रहे हैं, चाहे रामलीला मैदान हो कंस्टिट्यूशन क्लब हो और तमाम बहुसंख्यक समाज के जो सांसद चुने गए हैं उनको सम्मान करने की बात हो। अभी पिछले महीने ही हम लोग ने कंस्टिट्यूशन क्लब में ही हमने सांसद सम्मान समारोह रखा था में सांसद सम्मान समारोह में लगभग 45 सांसद अपनी उपस्थिति दिया है और यूं कहें तो कश्मीर से कन्याकुमारी तक लेह लद्दाख सारे सांसद उपस्थित हुए और उनको स्मृति प्रतीक दे करके सम्मानित भी किया गया और उन तमाम सांसदों से गुजारिश किया गया है कि जो ये हम लोग को बहुसंख्यक समाज जो दलित पिछड़े दबे कुचले शोषित वंचित जो विकास से अछूता है उन सब को मुद्दों को लेकर के आगे आने का है। ये कार्ड तमाम सांसद के पास जो बहुसंख्यक समाज से हैं हमारे कई टीम घूम घूम करके निरंतर घर पे वास पे देने के कार्य कर रहा है और ये साथ में बुकलेट जिसके अंदर सारे सांसद के लिए और कई सांसद ने कंसेंट दिया है क्योंकि आप लोग को शायद पता हो ना हो 15 पहले सवाल भेज दिया जाता है सांसद में और उनको कौन सा सवाल अप्रूव होगा कौन सा नहीं होगा। तो ये हम लोग तमाम कार्य बिहाइंड द कर्टन रह करके या फ्रंट लाइन पे रह के हम लोग करते आ रहे हैं और जाति जनगणना की जो बिहार में हुई उसमें हम लोग का काफ़ी रोल रहा है। नवोदय विद्यालय में एडमिशन शुरू हो गया ओबीसी के लिए उन सब में भी हम लोग का भूमिका रहा है। क्रिमी लेयर आरक्षण की बात हम लोग करते हैं आरक्षण में एक शब्द आरक्षण आता है लेकिन उसमें अनेक हथकंडे अपनाए जाते हैं हमारे बहुसंख्यक समाज के बच्चे को रोकने के लिए। उसमें क्रिमी लेयर है या NFS जो भी हमारे दोनों शिक्षाविद बोल रहे थे नोट फॉर्म सुटेबल करके उसको बैकलॉग बना करके फिर जनरल कैटेगरी में कन्वर्ट कर दिया जाता है। ये तमाम मुद्दे के ऊपर हम लोग पिछले 5-6 से काज कर रहे हैं। एक हम लोग ने नया इस बार नया नहीं कर सकते जो बाबा साहब ने जाति तोड़ों की बात की है उसको हमने नेशन बिल्डर के नाम से आरक्षण जितने भी जो जनरल कैटेगरी में जा रहा उसको नेशन बिल्डर कैटेगरी यानी हम दूसरे शब्द में कहें तो जाति तोड़ों के अंतर्गत वो आता है अंतर्जातीय विवाह करने की बात करते हैं और आरक्षण का लाभ उस आदमी को मिले जो अंतर्जातीय विवाह जैसे एससी और एसटी ओबीसी माइनॉरिटी कोई भी हो जाति खत्म तभी होगी। बातें तो बड़े बड़े संसद में होता है
लेकिन सारे पॉलिटिशियन अपने अपने क्षेत्र में, अपने समाज बहुल क्षेत्र में उसी समाज के लोगों को टिकट देते हैं और पीछे पीछे घुमाते रहते हैं। तो जाति भी तभी टूटेगी, बाबा साहब का सपना तभी साकार होगा जब अंतर्राज्यीय अंतर्जातीय विवाह संपन्न कराना शुरू हो जाएगा। ये ब्राह्मणवादी के बातों को खत्म करके, जैसे महात्मा फूले ने शिक्षा महिलाओं को देने की से क्या, हम लोग तो इतने पॉपुलेशन हो गए, पहले तो यही कहते थे ना कि महिला शिक्षा ले लेंगी तो पता नहीं क्या हो जाएगा, प्लेग फैलेगा, महामारी फैलेगा या कुछ हो जाएगा। लेकिन आज तो वो सब कुछ नहीं, और हमारे माताएं पढ़ करके देश दुनिया भी चला रही हैं। तो हम लोग नेशन बिल्डर, जिसके अंदर आरक्षण का प्रावधान करने की बात हम लोग ने सारे सांसद को समझाने की बात की है कि नेशन बिल्डर में अगर कोई व्यक्ति एससी का बच्चा अगर ओबीसी में शादी करता है या ओबीसी का बच्चा एससी में शादी करता है, मेल फीमेल जो भी शादी दो ही में होने हैं, तो उनको हम लोग आरक्षण में वेटेज देंगे। और उसके कड़ी के लिए हम लोग जब कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में इकट्ठा होंगे तो विस्तृत जानकारी नेशन बिल्डर पे मिलेगा, आरक्षण के क्रिमी लेयर पे मिलेगा, जो उसके टूल्स है, जो हम लोग की लड़ाई जो कमजोर करने का, जिसको सर से धड़ अलग करने की बात की जाती है। जैसे हम ही लोग में मात्र बिहार की जाति जनगणना हुई है, उसमें 1% आदमी संसाधन से लैस हैं, जो ओबीसी एससी एसटी की बात क्यों करते हैं। 1% पे क्रिमी लेयर लगा करके, और क्रिमी लेयर का बहुत छोटा मानदंड जो कि 8 लाख रुपए, इन तमाम मुद्दों पे हम लोग चर्चा करने के लिए आप लोग को, तमाम देशवासियों को, तमाम यूट्यूबर मीडिया चैनल वालों को मैं आह्वान करता हूँ कि उस दिन ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आए और ये सारे चीज़ को डिटेल में जानकारी लेकर के अपने घर परिवार से लेकर के सांसद या अन्य लोगों को सूचित करें कि इस तरह की चीज़ अगर आप करेंगे तो मैं आपका साथ दूंगा, अन्यथा उनको बाहर का रास्ता दिखाने का प्रयास करूँगा। जय भीम, जय जोहार, जय किसान। मैं ऐसे बात करने का शायद मेरा पहला दिन है और मैं मिशन जय भीम से यहाँ राष्ट्रीय महासचिव की हैसियत से आपके सामने बीच में आया। सबसे पहले तो मैं आप सभी को बधाई देना चाहूँगा कि हमसे ज़्यादा लड़ाई आप लोग लड़ते हैं और जनता से सीधी बात पहुँचाने का, हमारे माध्यम से जो बात निकलती है जनता तक आप डायरेक्ट पहुँचा देते हैं, आप सबसे ज़्यादा बधाई के पात्र हैं। और मिशन जय भीम 23 तारीख को होने वाले कार्यक्रम में जो भी भागीदारी हमको दी जाएगी, जो हमारी हिस्सेदारी जो वहाँ होगी, वो हम तत्पर और पूरी ताकत के साथ पूरा करेंगे। मैं इसमें 2-3 चीज़ें मिशन जय भीम की तरफ से कहूँगा। जैसे अनिल जी ने अभी कहा था कि जाति तोड़नी पड़ेगी, ये मिशन जय भीम का तो हमारा अपना खुद का नारा है, ये तो जब से हम मिशन जय भीम को चला रहे जब से कह रहे हैं कि जाति छोड़नी पड़ेगी और समाज को जोड़ना पड़ेगा। जब तक जाति नहीं छोड़ेंगे जब तक समाज जोड़ेगा नहीं, और हम अंतर जातीय विवाह तक नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि ये हमारा सबसे पहला संघर्ष है। और मिशन जय भीम जिस पथ पर चलता है उस पथ पर वो बाबा साहब के दिखाए हुए सभी रास्तों को पूर्ण करना चाहता है जो बाबा साहब ने दिखाए हैं, और बाबा साहब के सपनों को पूरा करने के लिए बोध में भारत बनाना बहुत जरूरी है। और हमारा संकल्प इसी के साथ में जातीय जनगणना जो हमारी हिस्सेदारी वाली बात है, जब तक इस देश के आखिरी पायदान तक खड़े व्यक्ति तक उस समानता के अधिकार पर उसके अधिकार और हक नहीं मिलेंगे, जब तक ये न्याय की लड़ाई हमारी जारी रहेगी। और ईवीएम का सबसे बड़ा जो महत्वपूर्ण है कि भी देश के अंदर जब भी कोई बात हम रखना चाहते हैं तो सरकार तक जाती है, सरकार कौन सी होनी चाहिए जो जनता की सुने, जो जनता की सुन करके जनता की राय पर उस फैसले को आगे बढ़ाए और जनता के हक की लड़ाई को लड़े, तो ईवीएम उसमें सबसे बड़ा अहम रोल निभाता है। और हम ईवीएम का विरोध करने के लिए इस पर तत्पर आगे बढ़ते रहेंगे, क्योंकि ईवीएम ही सरकार को आगे बढ़ाता है, उसको ताकत देता है। 2014 से लेकर के आज 2024 हो गया है, तो शायद वो समाज सोया हुआ था और 2024 के इलेक्शन में ताकत दिखाई कि विपक्ष मजबूत हुआ और जनता ने जवाब दिया कि ईवीएम में धोखा है और अगर नहीं इसको बदला तो हम तुमको ही बदल देंगे। हम तो ये हमारे कुछ मुद्दे थे, तो बाकी मेरे को ज़्यादा कुछ बोलना नहीं है। हम इसमें 23 तारीख की भूमिका में पूरे देश के अंदर आह्वान करते हैं मिशन जय भीम की तरफ से, मीडिया के माध्यम की ओर से, और सभी जो हमारी बात को सुन रहे हैं
वो सभी इस बात को समझे कि लड़ाई हमारी नहीं है, हम बात कर रहे हैं, ये लड़ाई पूरे देश के हर उस वंचित समाज की है जो इस देश के अंदर हर संसाधन से वंचित रह गया है, ये सब की उनकी लड़ाई है। वो सब आए और इसी बात को इन्विटेशन समझ करके उस प्रोग्राम में सम्मिलित हो। और बस मेरा इतना ही कहना है, जय भीम जय भारत।